ये देखिए दोस्तों आज कैसा बन रहा हमारा कलेजी पोटा। ये देखिए बहुत दिन से भैया का बहुत मन कर रहा था कलेजी पोटा, इसके वजह से बोला चलिए आज ले ही लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का नया ब्लॉग में फिर से स्वागत है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अभी साइड में पहुंच चुके हैं, अभी समय 9 बज रहा है। दोस्तों देखिए अभी हम लोग मशीन के पास ही खड़े हैं, देखिए सब हम लोग ऑयल पानी चेक वगैरह सब कर ले रहे हैं, अभी चालू करना है। अभी गाड़ी आएगी 10 बजे के बाद। अभी इधर क्या नो एंट्री का थोड़ा ज़्यादा चल रहा है 10 बजे के बाद, क्योंकि ट्रैफिक इधर ज़्यादा है सिटी में, इसकी वजह से बड़ा गाड़ी का अलाउ नहीं है, नो एंट्री लगा देता है। इसकी वजह से अभी गाड़ी जल्दी नहीं आती है, 10 बजे के बाद ही आएगा। तब तक हम लोग ऑयल पानी मशीन वगैरह मरमेंटेनेंस कर लिए। और देखिए भैया इधर अभी इसका हाइड्रोलिक कम था टाटा का, तो हाइड्रोलिक भी डाल ले रहे हैं, हाइड्रोलिक टैंक खोल के और लेबर कर ले रहे हैं दोस्तों। तो देखिए अभी आज हम लोग का काम तो ज़्यादा नहीं है, अभी यहाँ थोड़ा बहुत इधर ब्रेकिंग करना है, तो वही ब्रेकर जब थोड़ा बहुत किया है तो गाड़ी आएगा वो लोडिंग कर देंगे, उसके बाद वो ब्रेकर करेंगे, उसके बाद देखेंगे गाड़ी आएगी तो फिर भरेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये इधर भी काम चालू ही है, इतना अर्जेंट काम चालू है कि आधा तरफ लगा दिया है, काम शुरू कर दिया और आधा अभी इधर फिटिंग का काम चालू है। इधर लेबल हो गया, आप लोग देख सकते हैं पानी जितना भी दिखाई दे रहा है वो लेबल हो चुका है, और बाकी वह इधर भी देख सकते हैं वो साइड साइड का बचा हुआ है। तो इतना जो अब जोर शोरों से काम चल रहा है, दो दो ट्रैक्टर भी आ गए होल मारने के लिए। ये देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों अभी जब तक गाड़ी आएगी तब तक अभी मर मेरे सौर थोड़ा मैं देखते हैं। दोस्तों हम लोग अभी आ गए हैं मशीन में, दोस्तों गाड़ी सामने लगा ली है, चलिए अभी लोडिंग कर रहे हैं, चलिए अभी लोडिंग करेंगे। हम लोग डिस्ट्रिक से उधर आ गए हैं, अभी पानी ले लेंगे डब्बा, इधर बहुत अच्छा पानी कॉर्पोरेशन का पानी मिलता है। उधर भैया का बिल देख सकते हैं पीछे तरफ भर लेंगे, यहाँ नल है, 24 घंटा पानी आता है और अच्छा रहता है पीने का, सब पूरा ठंडा पानी मिलता है और बहुत अच्छा है, कॉर्पोरेटर का पानी है। देखिए हम लोग पूरा डब्बा बांध दिए हैं गोनी, देखिए पूरा, और अभी देखिए अभी हम लोग भर लिए हैं और आ गए अभी यहीं पे उनका दुकान है, आप लोग देख सकते हैं। तो भाई आज हम लोग खाने का दिन रहा है कलेजी पोटा, तो चलिए दोस्तों अभी लेते हैं। देखिए दोस्तों ज़्यादा कलेजी पोटा तो नहीं है लेकिन थोड़ा है, तो चलिए जो भी है ले लेते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों हम लोग अभी देखिए कलेजी पोटा ले लिए हैं, चिकन नहीं लिए, कलेजी पोटा ले लिया, और हम लोग चलिए भी पानी लेते हैं रखे हैं, तो चलिए भी चलते हैं, कलेजी पोटा ले आए हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग साहब कुछ टमाटर वगैरह भी नहीं था वो भी ले लाए, देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी देखिए जो चिकन लाए हैं पॉलिथीन में पैक किया हुआ, तो उसको खोल दिए हैं, और चूँकि नहीं तो क्या महक आ जाएगा, तो हम लोग खोल के रख दिए हैं, क्योंकि अभी बहुत अभी क्या 7 बज रहा है, इतना जल्दी खाना नहीं बनाते हैं हम लोग, 8:30 से ही बनाने के लिए शुरू करते हैं, तो 9 बजे तक आराम से हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी तब तक भैया अभी क्या कर रहे हैं, देखिए सब तैयार करके रख ले रहे हैं, बोल बनाएंगे लेट से लेकिन तैयार कर लेते हैं, जैसे लहसुन वगैरह पेस्ट वगैरह जो भी है बनाने के रहता है छिलना, देखिए मिर्ची वगैरह कट कर ले रहे हैं और लहसुन वगैरह पेस्ट करेंगे अभी तैयार करेंगे, और प्याज वगैरह भी कट करके अपना रेडी रखते हैं, क्योंकि भाई अब आज बनाने वाले हैं अपने यही बनाने वाले हैं कलेजी पोटा हम लोग अभी, चलिए हम लोग भी कुछ देर के बाद आटा वगैरह गूंथ लेंगे। देखिए भैया बना रहे हैं अभी, आज बनाने वाले हैं, इसकी वजह से तैयार कर ले रहे हैं, और कैसा बनाते हैं आज कलेजी पोटा आज दिखाते हैं आप लोगों को दोस्तों। तो हम लोग अभी 8 बज चुका है रात, और हम लोग देखिए अभी बनाने के लिए शुरू कर दिए हैं। अभी देखिए सबसे पहले एक ही गैस है, ये गैस तो खत्म हो गया, हम लोग देखिए सबसे पहले भैया बनाएंगे आज कलेजी पोटा, तो ज़्यादा नहीं मिला है, लगभग 400 ग्राम जैसा मिला है, इतना ही था कलेजी पोटा,
तो इसकी वजह उतना ही ले लिए क्योंकि हम लोग तीन आदमी हैं, तो चलो किस तरह हो जाएगा। देखिए भैया पेस्ट वगैरह बना ले रहे हैं, प्याज वगैरह सब कट करके पहले से रखे हैं। देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है, ये कैसे कैसे बनाते हैं चलिए आप लोग को दिखाते हैं। हम भी इधर आटा गूँथ लेते हैं चलिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आटा गूँथ ले रहे हैं, ये देखिए। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि भैया सबसे पहले अभी देखिए प्याज और जो पेस्ट बनाए थे वो भूंज ले रहे हैं, और इधर देखिए गिलास में भी एक ही सारा मसाला भी डाल ले रहे हैं, हल्दी वगैरह सारा भी डाल रहे हैं। इधर देखिए टमाटर कट के रख करके रखे हैं, और इधर ये देखिए कलेजी पोटा पानी में दे दिए हैं, उसको भी धोना पड़ेगा ये देखिए। और हम लोग इधर अभी देखिए आटा गूँथ के छोड़ दिए हैं, चलिए अभी ढक देते हैं, जब तक उधर बनेगा तब तक ये अच्छी तरह से खुल जाएगा, मिल जाएगा दोस्तों। ये देखिए प्याज और वहाँ कुटा हुआ मसाला को, ये देखिए पेस्ट को अच्छी तरह से भूंज ले रहे हैं। ये देखिए दोस्तों आज कैसा बन रहा हमारा कलेजी पोटा, ये देखिए। बहुत दिन से भैया का बहुत मन कर रहा था कलेजी पोटा कलेजी पोटा, इसके वजह से बोला चलिए आज ले ही लेते हैं। बहुत कम था, हम लोग तो विचार था आधा केजी जैसा, लेकिन थोड़ा नहीं हुआ, इतना ही था, दुकानदार वाला बोला था इतना ही है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कलेजी पोटा ये देखिए कैसा बन रहा है। ये देखिए टमाटर वगैरह भी कट कट करके डाल दिए, अभी मसाला नहीं डाल रहे हैं। देखिए कलेजी कलेजी को अच्छी तरह से भूनने के बाद अभी मसाला डालने वाले हैं, ये देखिए। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कलेजी पोटा भूनने के बाद ये देखिए मसाला डाल दिए हैं दोस्तों, ज़्यादा मसाला यूज नहीं करते हैं ये, क्योंकि क्या है गर्मी का सीजन ऐसे ही चल रहा है, गैस ज़्यादा बन रहा है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत तभी मसाला, ये देखिए बस उसमें, ये देखिए ज़्यादा मसाला नहीं डालते हैं क्योंकि अभी गर्मी का समय चल रहा है तो गैस ज़्यादा बन रहा है पेट में, इसकी वजह से क्या है थोड़ा कम ही मसाला डाल के फिर बनाने वाले हैं। तो देखिए ऐसा बन रहा है। तो दोस्तों अभी चलिए हम लोग अभी मसाला डाल के अभी ढक दिए हैं, तो कम आँच में भी अच्छा पकने देते हैं अभी, ये देखिए हम लोग का आटा भी इधर मिल चुका है, ये देखिए। तो चलिए अभी उसको बनने के बाद अभी इधर बनाएंगे कलेजी पोटा, बनने के बाद रोटी बनाने की चालू करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग का ये कलेजी पोटा बन के तैयार हो चुका है, तो चलिए हम लोग अभी रोटी पका लेते हैं। भैया इधर आटे को अच्छी तरह से मिला ले रहे हैं, चलिए हम लोग तावा चढ़ाते हैं और अभी रोटी पका ले रहे हैं, ये देखिए। चलिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग रोटी पका ले रहे हैं, और अभी दोस्तों देखिए इतना ज़्यादा रोटी पक गया, तीन ही आदमी खाने वाला है, आटा थोड़ा ज़्यादा गुथा गया, इसकी वजह आप देख सकते हैं कितना रोटी पक चुका है, और अभी भी बचा है दो चार, देख सकते हैं दोस्तों। आ चूँकि अंदाज़ा नहीं हुआ, भैया बोल रहे थे कि ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम माने नहीं, बोले दो रोटी ज़्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन घटना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या है चिकन वगैरह बनता है तो रोटी नहीं रहता तो मज़ा ही ख़त्म हो जाता है, इसके वजह से हम डाल दिए ज़्यादा, और देखिए भी ज़्यादा हो जाएगा शायद बच जाएगा। तो चलिए अभी पकाते हैं, ये देखिए पका ले रहे हैं अभी। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अभी रोटी पकाने के बाद हम लोग देखिए खाना निकाल लिए दोस्तों, और कैसा बना है ये देखिए हम लोग का कलेजी पोटा, ज़्यादा रसा भी नहीं बनाए क्योंकि खाने में मज़ा नहीं आता, इसकी वजह देखिए देख सकते हैं रोटी इधर है। तो चलिए दोस्तों अभी खाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अभी खाना निकाल लिए हैं, और चलिए अभी खाते हैं कैसा बना है। भैया बनाए हैं कलेजी पोटा आप लोग के दिखा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए। थोड़ा तीखा जैसा लग रहा है, थोड़ा तीखा बना दिए हैं, लेकिन मस्त बना है, देख सकते हैं कलेजी पोटा भैया को बहुत पसंद था, इसकी वजह से लाए हैं। तो चलिए दोस्तों अभी खाते हैं, आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय और गुड नाइट।